हेलो गाइस, कैसे हो तुम लोग गाइस। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ पोजो लॉन्चर के लिए न्यू कस्टम कंट्रोल। और गाइस, इस कस्टम कंट्रोल को कैसे आपको डाउनलोड करना है और गाइस कैसे आपको पोजो लॉन्चर में सेट करना है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो गाइस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गाइस, न्यू कस्टम कंट्रोल को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको करना है कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहां पर आपको माय वेबसाइट के नाम से एक लिंक दिखाई देगी, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। या फिर गाइस, इस लिंक को मैं यहां पर कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा, आप वहां पर क्लिक करके मेरी वेबसाइट पर जा सकते हो। ठीक है, तो यहां पर गाइस मैं अपनी उसी वेबसाइट पर आ चुका हूं। तो यहां पर गाइस आपको सर्च आइकन पर क्लिक करके यहां पर आपको सर्च करना है फिक्स माइनक्राफ्ट जावा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टाइप करना है फिक्स माइनक्राफ्ट जावा और इसके बाद सर्च कर देना है। तो गाइस, जैसे ही आप फिक्स माइनक्राफ्ट जावा लेकर सर्च करते हो तो शुरू में ही वो पोस्ट आपको नज़र आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है फिक्स माइनक्राफ्ट जावा डॉट लैंग और आगे भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको इसी वाले पोस्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप इस पोस्ट पर क्लिक करते हो इसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और सबसे लास्ट में यहाँ पर पहुँच जाना है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा पोजब लॉन्चर न्यू कस्टम कंट्रोल डाउनलोड, तो यहाँ पर आपको डाउनलोड नाउ पर क्लिक करना है। डाउनलोड नाउ पर जैसे आप यहां पर क्लिक करोगे तो यहां पर ये ब्राउजर चूज करने के लिए कहेगा, तो यहां पर आपको क्रोम ब्राउजर चूज कर लेना है। तो जैसे ही आप यहां पर क्रोम ब्राउजर को चूज कर लेते हो उसके बाद गाइस ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा गूगल ड्राइव की लिंक पर। तो यहां से गाइस आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकोगे न्यू कस्टम कंट्रोल को। उसके बाद गाइस अब आपको यहां से बैक आना है। बैक आने के बाद गाइस अब आपको यहां पर जाना है JDRC पर को ओपन कर लेना है या फाइल मैनेजर को आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद गाइस जहां पर भी आपकी फाइल हो वहां पर पहुंच जाना है, जैसे कि यहां पर ये है मिस्टर टेक्निकल प्रो, ठीक है .json। ठीक है, तो यहां पर इसे टैप करके यहां पर कट या कॉपी कर लेना है। तो यहां पर मैंने इसे कट कर लिया है। ठीक है, कट करने के बाद अब आपको यहां से बैक आना है और इसके बाद यहां पर एंड्रॉइड पर जाना है। एंड्रॉइड पर जाने के बाद अब आपको यहां पर डाटा पर जाना है। डाटा पर जाने के बाद यहां पर आपको ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और सबसे लास्ट में पहुंच जाना है। तो यहां पर मैं सबसे लास्ट में आ चुका हूं। तो यहां पर आपको ये वाला फोल्डर दिखाई दे रहा होगा, आपको इसी फोल्डर पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहां पर फाइल्स पर क्लिक करना है। इसके बाद यहां पर आपको कंट्रोल मैप पर क्लिक करना है। कंट्रोल मैप पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको इसे पेस्ट कर देना है इस फाइल को। ठीक है, इसके बाद अब आपको यहां से बैक आ जाना है और बैक आकर आपको पोजब लॉन्चर को ओपन कर लेना है। तो यहां पर मैं पोजब लॉन्चर को ओपन कर लेता हूं। पोजब लॉन्चर को ओपन करने के बाद यहां से इसे आप अकाउंट को लॉगिन कर लीजिए और इसके बाद आपको यहां पर गेम को प्ले कर लेना है। गेम को प्ले करने के बाद आपको राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर पेज को सरकाना है इस तरह से, और इसके बाद यहां पर आपको कस्टम कंट्रोल्स पर क्लिक करना है। कस्टम कंट्रोल्स पर क्लिक करने के बाद अब आपको फिर से यहाँ पर राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर पेज को सरकाना है जैसे अभी किया था। तो इसके बाद अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा सेलेक्ट डिफ़ॉल्ट कंट्रोल, यहाँ पर क्लिक करके आपको मिस्टर टेक्निकल प्रो .json पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको लोड पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिस्टर टेक्निकल प्रो इसी को सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपको सेव पर क्लिक करके ओके पर क्लिक करना है। तो ये जो कंट्रोल है ये आपके पोजब लॉन्चर में सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस यहाँ पर जो हमारे कंट्रोल्स हैं यहाँ पर ये सेट हो चुके हैं और यहाँ पर मैं आपको गेम खेल कर भी बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जल्दी से यहाँ पर सिंगल प्लेयर पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से ये वाला वर्ल्ड ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैंने वर्ल्ड को ओपन कर लिया है और गाइस यदि आपकी ये जो बटन है आपके डिवाइस में बाहर जा रही हो या आगे पीछे हो रही हो तो गाइस आप इन्हें कस्टमाइज भी कर सकते हो, अभी मैं आपको बताऊंगा। बट यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर जो बटन है ये बहुत ही अच्छे तरह से वर्क कर रही है, आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं जो है आपको दिखा रहा हूँ गेम प्ले पूरा, ठीक है, इन बटन को टैप करके दिखा रहा हूँ तो आप देख सकते हो कितना अच्छे से ये वर्क कर रही है ये जो बटन। ठीक है, और गाइस यहाँ पर आप GUI पर क्लिक करके इन बटन को हाइड भी कर सकते हो और 3RD पर क्लिक करके आप इसका फ्रंट व्यू भी ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद अब गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको इसे कस्टमाइज करना है बटन को। तो गाइस इसके लिए आपको राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर पेज को सरकाना है जैसे अभी हमने सरकाया था उसी तरह आपको पेज को सरकाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कस्टम कंट्रोल्स पर क्लिक करना है। कस्टम कंट्रोल पर क्लिक करने के बाद अब गाइस यहाँ पर आप जो भी चाहो यहाँ पर बटन को आगे पीछे कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, देख सकते हो।
तो इस तरह से गाइस आप बटन को आगे पीछे कर सकते हो, अपने डिवाइस के अनुसार एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक करना है, सेव पर क्लिक करने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है, तो ये जो बटन है वहीं पर सेट हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से गाइस आप कस्टमाइज कर सकते हो इन बटन को, ठीक है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो गाइस मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो में।